देश के अंदर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, डाटा अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है वो 63% दर्शाई गई है, यानी करीबन 11% का जंप है आबादी के अंदर। और जो हमारे जो आरएसएस के बंधु हैं, इन्होंने अनेकों पीआईएल द्वारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जातीय जनगणना बिहार की गवर्नमेंट कर रही थी उसको रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक बार उनको स्टे भी मिल गया था लेकिन हाई कोर्ट ने उस स्टे को हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बदस्तूर जो है उसी तरीके से अपनी राय रखी कि देश के अंदर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, डाटा नहीं होगा तो काम चल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पटिशन जो हैं पंचायती राज के अंदर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की जो है आरक्षण पर जो है रोक लगा दी। पूछा कि भी डाटा दो तो डाटा नहीं, जब तक डाटा नहीं होगा। अभी जो 63% जो पॉपुलेशन है ये करीबन 215 जातियां हैं, कई कम से कम 113 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 0 पॉइंट्स से नीचे है, तो उनके बारे में, उनके बारे में कौन सोचेगा। अनेकों जो योजनाएं हैं जो बनानी है हमने, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हों, चाहे हमारे ओबीसी के भाई हों, इवन जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनका भी तो सर्वेक्षण हुआ है। इसमें केवल ओबीसी का थोड़ा ना हुआ है, उसमें जो गरीब लोग हैं उनको फायदा मिलेगा इस बिहार के अंदर, उनके लिए पॉलिसीज बनेंगी, हाउसिंग पॉलिसीज है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कार है, किसके पास आर्थिक स्थिति की किसकी कैसी है, राजनीतिक रूप से कौन कितना प्रभावशाली है, शैक्षणिक रूप से क्या व्यवस्था है जिन जातियों की, और सामाजिक रूप से कितना दबाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हों और इवन शेड्यूल्ड कास्ट में ऐसे आबादी हैं जो विधायक एमएलए नहीं बन सकते, तो उनको जो है सरकार के पास जब डाटा होगा किसी को एमएलसी बना सकते हैं, किसी को राज्यसभा में ले जा सकते हैं।